देश की 10 लोकसभा सीटों पर शायद पहली बार ऐसा होगा कि जब बीजेपी और कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवार नए चेहरे होंगे। कई नए चेहरों के साथ बीजेपी की लिस्ट इसी हफ्ते आ सकती है, जबकि कांग्रेस के भी ज्यादातर चेहरे नए होने की खबर है। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन संग्राम क्या कहता है हरियाणा का, लोकसभा का, रिपोर्ट के जरिए। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ रही आ रही। अभी तक तो लोकसभा चुनावों पर जोर था, पर अब उतना ही जोर दावेदारों के बाद उम्मीदवारी पर मोहर लगने का है। दरअसल हरियाणा की बात करें तो इस बार संभवतः पहली बार बीजेपी और कांग्रेस के नए पहलवान चुनावी अखाड़े में घुलते नजर आएंगे। बीजेपी से जहां हम पहले ही कहते आए हैं कि 10 लोकसभा सीटों पर बहुत मुमकिन है कि आधे या इससे भी ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, जाहिर है इनकी जगह नए चेहरे आपके सामने होंगे। इसी हफ्ते बीजेपी के सभी 10 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। आज की बैठक में चर्चा होगी कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बैठेगा, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में तय होगा। कांग्रेस की जहां तक बात है, दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कमेटी के बाकी सदस्य मौजूद थे। स्क्रीनिंग कमेटी ने हर सीट पर मंथन किया। कोशिश ये रही कि सभी वर्गों और सामाजिक कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखा जाए। हाँ, ये जरूर है कि इस बार ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की तरह ही नए चेहरे सामने दिखेंगे। शॉर्ट लिस्ट किया है, और बाकी फिर दूसरी मीटिंग होगी, एक दो मीटिंग और होगी, तभी एसीसी में जाएगा जब फैसला होगा। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा की जहां तक बात है, इसमें बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, पर दिनों की ही बात है। जो भी हो, प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा चुनाव में छोटे बड़े नेताओं को अपनी पार्टी और टॉप के नेता को चमकाना है, इसके बाद ही उनका अपना नंबर आएगा। अभी तो ये ऊपर वाले नेताओं के नंबर बनाएंगे, फिर ऊपर वाले नीचे वालों यानी विधानसभा चुनाव में इन्हें नंबर देंगे। वही बात हुई ना, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़।